हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है, नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या होने वाला है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। गाडकर यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। यस, आपके पर्सन ने रिसेंट पास्ट में, मतलब कि पिछले 2-4-5 दिनों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है, अकेले अकेले बैठते हैं, किसी से बात नहीं करते। और करंट में पर्सन जो कि लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, इतना में कि करंट पे लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत दूर रह लिया आपसे, अब जो कि टाइम है आपके सामने सरेंडर करने का, ठीक है। आपसे दूर रहकर देख लिया इस पर्सन ने, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये डिप्रेशन में भी थे, आपसे बात करने के बारे में सोच भी रहे थे, और करंट में भी ये पर्सन जो कि अब चाह रहे कि अब जो आप दोनों में नो कांटेक्ट आया है, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना है, ठीक है। ये दिल से आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट इस पर्सन की तरफ से आप देख पाओगे, क्योंकि आपके पर्सन करंट एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं ये लॉस्ट है आपके बिना, ठीक है। माई सेल्फ इन यू, ये अपने आप को आप ही के अंदर देखते हैं, मतलब कि अगर आप खुश हो तो ये खुश है, अगर आप सैड हो तो ये सैड है, आपके अंदर अकेलापन है तो इनके अंदर भी अकेलापन है, आप डिप्रेशन में हो तो ये भी डिप्रेशन में है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। खाना पीना इनका खाने पे फोकस नहीं है, अपनी हेल्थ खराब कर दी है, इवन आपके भी हाल ऐसे ही है। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो आप दोनों में जो एनर्जीज है करंट में, इस एनर्जीज को चेंज करना है, और जो कि आप तक, ये पर्सन आज तक आपके सामने कभी झुके नहीं है, लेकिन अभी आपके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी है, ठीक है। करंट में ये पर्सन जो कि आपके इस रिश्ते की, आपने जो भी टाइम पीरियड आप दोनों का है 2-4-5 सालों का, आपके पर्सन कुछ अच्छी बातें इस वक्त माइंड में याद कर रहे हैं, ठीक है। दिल ही दिल में एक जगह पे कहीं पे बैठे, या तो अपने घर में बैठे हुए, या तो ऐसे कोई समंदर किनारे, नदी किनारे, या तो किसी भी जगह पे है लेकिन अकेले बैठे हुए, या तो अपने ऑफिस में भी हो सकते हैं, तो किसी से बात नहीं कर रहे, ठीक है। आपके इस रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें इनके माइंड में चल रही है, आपकी हंसी इनको सुनाई दे रही है, रोमांटिक बातें इनके दिमाग में है, और आपके सामने हार चुके हैं, ठीक है। आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉक अवे, बट दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट, ये कभी भी नहीं चाहते थे। इन्होंने तो आपको दिल से कह दिया कि आप चले जाओ, इनको नहीं निभाना, इनको नहीं निभाना है ये रिश्ता, इनको नहीं आना है आपके साथ अब, जो कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस पर्सन ने इजीली आपसे जो कि मूव ऑन भी कर लिया, लेकिन ये रियली ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे, ठीक है। करंट एनर्जीज में ये पर्सन आपको सच्चे दिल से वापस पुकार रहे हैं, और जो कि कंट्रोल इस पर्सन का टूट रहा है, ठीक है। अब इनको इंतजार नहीं हो रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, ठीक है। ये जो आपसे मूव ऑन करके गए थे, अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ये चाह रहे करंट एनर्जीज में, अगर आपने भी इस पर्सन को माफ़ नहीं किया है तो आपको इस वक्त सच्चे दिल से इनको माफ़ करने की ज़रूरत है। आपको दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं अपनी हरकतों के लिए, और अगर इन्होंने आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी चूज़ करी थी, तो उस थर्ड पार्टी के सामने भी आपके पर्सन जो कि करंट एनर्जीज में, थर्ड पार्टी को तो वैसे भी वैल्यू देते नहीं हैं, उनसे तो प्यार है नहीं, अगर थर्ड पार्टी चूज़ भी करी थी तो अपने फैमिली वालों की वजह से की होगी, ठीक है। लेकिन अपने मूव ऑन से पर्सन खुश नहीं है, करंट एनर्जीज में आपके पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, प्लेटोनिक लव, आपसे ज़्यादा प्यार ना तो इस पर्सन ने ना तो कभी किसी से किया है, और ना ही इनको ज़िंदगी में कभी होगा, ठीक है। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में यही आपको कहना चाहते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। रीयूनियन को लेकर सोच रहे कि आपसे कब बात कर सकते हैं। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स की क्या फीलिंग्स है, इस वक्त मेरे यूवर्स की क्या फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स, यस। आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फिजिकली सोच रहे हो, और हो सकता है कि आप लोगों में पहले बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसे सोचो महीने में 4-5 बार तो आप दोनों फिजिकल होते ही थे, ठीक है। तो बहुत टाइम हो चुका है आप दोनों एक दूसरे से फिजिकल नहीं हुए हो, फिजिकल हुए नहीं हो, तो करंट एनर्जी में आपको इनसे मिलने का दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है, और जो कि इंटीमेसी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। आप इस पर्सन से जो कि परमानेंट कनेक्शन चाहते हो, इनसे प्रॉमिस चाहते हो शादी का, लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ प्रॉमिस आपको देते नहीं है। इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, तो जब ये मूव ऑन करके गए तो डिफिकल्टीज बढ़ाकर आए हैं, तो डिफिकल्टीज अभी तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है।
तो आपको जो प्रॉमिस चाहिए इस पर्सन से, वो प्रॉमिस करंट में भी आपके पर्सन दे नहीं पाते, जिस वजह से अपने आप को रोक लेते आपके पास आने से, ठीक है। इतनी इनको बेचैनी महसूस होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके लिए एक्शन इसी वजह से नहीं लेती, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत कुछ हिडन रखा है आपसे, ठीक है। इनको जो गिल्ट हो रहा है, इन्होंने आपको कुछ बोलकर नहीं दिखाया, और जो कि सरेंडर करेंगे बहुत जल्दी आकर बोलेंगे, लेकिन अभी तक इस पर्सन ने बोला नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके सामने आकर कन्फेस करे अपनी, ये अपनी गलती को रियलाइज करे, और जो कि आपको बोले कि यस हाँ ये आप ही से प्यार करते हैं, जो कि आपसे दूर जाकर ये पर्सन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, ये आपको इनकी जबान से सुनना है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन अभी तक बोले नहीं है, ठीक है। यस आई हैव चेंज, आई हैव इवॉल्व, आई हैव ट्रांसफॉर्म एंड द रीजन यू, ये पर्सन जो आपसे दूर गए तब से लेके आज तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और जो कि इन्होंने सीख लिया है आपसे दूर होने के बाद इस पर्सन के हालात जो होते हैं, इन्होंने अपना फ्यूचर खुद ही विजुअलाइज कर लिया है कि इनका फ्यूचर हो कैसे सकता है अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे तो, ठीक है। तो ये पर्सन सच्चे दिल से आपकी ज़िंदगी में फिर से एंटर करेंगे, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी कम्प्लीट होगा, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, अगर ये इस वक्त कुछ बात करना चाहेंगे मेरे यूवर से तो क्या बात कर सकते हैं, अगर ये इस वक्त मेरे यूवर से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। आपके पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको कहना चाहेंगे सॉरी दैट आई हर्ट यू, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, आपको घर वालों की वजह से छोड़ा था या तो खुद ही भाग गए थे, जो भी इस पर्सन ने किया है रिसेंट पास्ट में, सच्चे दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं, ठीक है, कि आप इनको माफ़ करोगे, ये पूछ रहे कि आप इनको माफ़ करोगे, ये बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट मैसेज करके ऐसा बोलेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। लेटर, मैसेज, लव नोट्स, 100% आपको एक्शन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, लव नोट्स आ रहा है, आपके पर्सन या तो किसी से मैसेज भिजवाएंगे या तो डायरेक्टली कॉल करेंगे, बहुत जल्दी आप देख पाओगे आपके सामने आपके पर्सन सरेंडर कर चुके हैं, और जो कि आपको कह रहे हैं आपको रीयूनियन के लिए जो कि पुकार रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए अब आपके पर्सन रेडी है, आप ये देख पाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। मोनोसिलेबल्स, माई फीलिंग्स आर डीपर दैन आई कैन एक्सप्रेस, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जितनी है ना वो दिखा नहीं पाते, ठीक है, एक्सप्रेस करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, और करंट एनर्जी में भी आपको यही कह रहे हैं, नियर फ्यूचर भी आपसे बात भी करेंगे ना, ये फीलिंग्स इनके दिल में बहुत कुछ होगी लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना है कि इनके बात से, इनके मिलने से, इनके सरेंडर करने से आप तो खुश हो जाओगे, ठीक है, जो है आप चाहते वैसे ही होगा। अगर आप इस पर्सन से प्रॉमिस चाहते थे, शादी का कमिटमेंट चाहते थे, आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत जल्दी इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस। लेट गो कर दीजिए, पर्सन तो आ रहे हैं लेकिन आप इनका एक जगह पे बैठ के इंतजार मत करो, क्योंकि वेटिंग एनर्जीज नेगेटिविटी बढ़ाती है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अभी भी डाउट है आपके पर्सन अगर एंटर कर रहे हैं, अगर ये आपसे कुछ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं या तो करेंगे नियर फ्यूचर अगले 2-4-5 दिनों में, अगर आपको डाउट होगा तो आप इन्फॉर्मेशन निकालिए, ठीक है। आप पहले अपने आपको यकीन दिलाए कि यस अब ये जो कि आए हैं सिर्फ आपके बनने के लिए आए हैं, ऐसा अगर आपको ट्रस्ट होगा तो ही आपको इस रिश्ते में जाना है। आप जो भी सोचोगे आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस तो आना ही है, डिसीजन आपका होगा, इफ़ यू बिलीव, आपका जिस बात पे भरोसा है आपको वही करना है, ठीक है। भले ही पर्सन आपके पास आ रहे लेकिन ये याद रखना है कि ये आपको छोड़कर गए थे, ठीक है। तो अब जब आ रहे हैं, आए इसी वजह से है या फिर बहुत जल्दी आएंगे, इसी वजह से आएंगे क्योंकि अब इनको पता चल चुका है आपकी, आपके बिना इनकी ज़िंदगी, ठीक है। तो गलती पता चल रही है तब गलती सुधारने आ रहे हैं, लेकिन अगर ये पहले गलती करते ही नहीं तो आपका ट्रस्ट इस पर्सन से खोता नहीं, ठीक है। तो अगर ये आ रहे हैं और अगर आपका ट्रस्ट फिर से इस पर्सन के ऊपर होता है तो ही आपको इनकी बात पे भरोसा करना है, या तो डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है, ठीक है। और जो भी आपका डिसीजन होगा आपकी ज़िंदगी में अबंडेंसी आएगी, ठीक है। ऐसा आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस आया है। तो यस यही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।